मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने इंदौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त किया जाएगा। वह बोले कि आखिर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय क्यों माफियाओं की तरफदारी कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनकी बौखलाहट है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना काम कर रही है और जहाँ कहीं अगर उनको ऐसा लगता है कि गलत कार्रवाई हुई है और अवैधानिक कार्रवाई हुई है तो उसको चैलेंज करें उचित फोरम पे। जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकार के समय में, भाजपा के समय में, इंदौर और मध्य प्रदेश माफियाओं का गढ़ बन जा चुका था, अपराधियों का गढ़ बन जा चुका था और ये उनकी बौखलाहट है। हमको इसका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ना है और जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, कानून अपना काम करेगी और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देख लो, ये उनके संस्कारों का और उनकी संस्कृति का और उनकी पार्टी की, ये किस विचारधारा की पार्टी है, उनकी पार्टी का और उनका संस्कृति और संस्कारों का इससे पता चलता है। कानून अपना काम कर रही है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या मध्य प्रदेश के अन्य कोई शहर हो या स्थान हो, जिन्होंने जनता जनार्दन के प्लाट छीन लिए हो, मकान छीन लिए हो, अवैध तरीके से गुंडों ने उन पर कब्जा कर लिया हो, सरकार खाली करा कर देगी और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को उसका न्याय दिलाएगी और जनता जनार्दन के साथ हम ये कार्रवाई, जो गुंडे अगर इस तरह का अपराध कर रहे हैं, हम ये कार्रवाई जनता जनार्दन के लिए निरंतर करते रहेंगे। हमको कोई किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुलिस कैसे घबरा सकती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े बड़े जो अपराधियों के जो साम्राज्य थे, अभी अवैधानिक तरीके से जो नवनिर्माण कर रखे थे, उनको धराशायी कर दिया है, तो पुलिस कार्रवाई करने से और कोई कानून को हाथ में अगर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस क्यों घबराएगी? बिल्कुल जो जो धाराएं लगेगी वो बिल्कुल धाराएं लगेगी, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल सख्त होगी। इसमें कांग्रेस, मैं समझता हूं कि उनको कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं करना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करना चाहिए और ये कमलनाथ जी की सरकार है, किसी तरीके भी की भी कोई पार्शलिटी नहीं करेगी, न किसी के प्रभाव में आ सकती, न किसी के दबाव में आ सकती। अगर ऐसा होता तो हम कार्रवाई ही नहीं करते। हम तो भाजपा की, पूर्व की सरकार के लोगों से, उन नेताओं से हम पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों होने दिया, मैं उनसे जानना चाहता हूं। जब कभी भी अगर कोई ऐसी, अभी जो 15 साल से पूर्व उनकी सरकार रही है, सारी जो भी कार्रवाई हो रही है वैधानिक कार्रवाई है और लगभग हजारों करोड़ रुपयों की भूमि हमने गुंडों से, जिन्होंने अवैधानिक तरीके से कब्जा कर रखा था, वो ज़मीन हमने छुड़वाई है। तो प्रदेश हित में हमारी सरकार और हमारा सरकारी तंत्र और हमारी पुलिसिंग काम कर रही है और ये निरंतर ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। नहीं देखिए, कोई भी अपराधी हमारी गिरफ्त से और गिरफ्तारी से कोई बच नहीं पाएगा। समय ज़रूर लग सकता है लेकिन कोई बच नहीं पाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बहुत जल्द जेलों के शिकंजों में होंगे वो। बिल्कुल, वहाँ भी रासुका लग जा चुकी है। हम तो, आप लोग सब सर्वविदित है, आप सबको बहुत अच्छे से आप लोग जो जानते हैं कि ऐसा क्यों होने दिया पूर्व की सरकार ने। और अगर हम अब कार्रवाई कर रहे हैं, जनता जनार्दन को न्याय और हक दिलवा रहे हैं, जनता जनार्दन की लड़ाई ये सरकार लड़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने विधानसभा के चुनाव में यही कमिटमेंट मध्य प्रदेश की जनता से किया था और उन कमिटमेंट्स को हम लोग निभा रहे हैं और बखूबी हम कानून के दायरे में, नियम और कानून के दायरे में हम कार्रवाई करते जा रहे हैं और जनता जनार्दन को उनका हक और उनका न्याय दिलाते जा रहे हैं। लोक अभियोजन विभाग का कार्यक्रम है और हमारे जो आदरणीय पुरुषोत्तम शर्मा जी मेरे साथ हैं, ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोक अभियोजन विभाग ने मध्य प्रदेश में काफ़ी महारत हासिल प्राप्त की है। जो दरिंदे हैं उनको फांसी तक की सज़ा दिलाई है और न्याय दिलाने वाले आज हमारे अधिकारी और कर्मचारी, उससे संबंधित यहाँ कार्यशाला है, उस कार्यशाला में मैं हिस्सा लेने के लिए आया हूँ।